बहुत सारा मजा, क्योंकि आज हम लोग पहुंच चुके हैं मिस्टर इंडियन हैकर रहने के दिलराज भाई के बहुत ही पास में। यहां से लगभग 25-30 किलोमीटर दूर नॉर्थ शोर उनका स्टूडियो है और हम जा रहे हैं दिलराज भाई के पास में उनको सरप्राइज देने और उनके ऊपर एक प्रैंक करने। गाइस, उनके चैनल पर 30 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए और हम देंगे उनको एक बहुत ही मजेदार सरप्राइज प्रैंक और बहुत सारा मजा आएगा। तो फटाफट शुरू करते हैं। सब लोग इस वीडियो के लिए जो लाइक का बटन है वो जरूर से दबा दें। और गाइस, हम लोग ये चाह रहे हैं कि यार उनको किसी भी तरीके से ये पता नहीं लग जाए, और हम जो चीज प्लान कर रहे थे उनको यहाँ पता नहीं था कि आसपास में मार्केट कहाँ है। उनके जो एकदम पास में मार्केट है अजमेर का, वहाँ तो हम जाना नहीं चाह रहे क्योंकि वहाँ जाएंगे तो उनको पहले ही सब कुछ रिवील हो जाएगा और वो तैयार रहेंगे हमारा स्वागत करने के लिए। तो उससे बढ़िया है इधर आसपास में ढूंढ लो कहीं। तो गाइस अब जो है कहीं ढूंढते हैं आसपास में बाजार कहाँ पे है। चलो चलो। तो भाई हम लोग अजमेर से थोड़ा पहले एक दूसरा शहर है उसमें आ गए हैं, उसके मार्केट में आ गए हाईवे छोड़ के, और यहाँ पर अब वो चीज करेंगे जिसके लिए हम इतना दूर से आए हैं। दिलराज भाई को भी जो है मजा आना चाहिए। तो भाई हम लोग अभी ढूंढ रहे हैं, पता है क्या, एक बहुत ही खास चीज जो कि आपके सबके घरों में है, एक पतीला। एक बर्तन ढूंढ रहे हैं गाइस और बर्तनों की दुकान देख रहे हैं, और उसके बाद में उस पतीले का ऐसा यूज करेंगे कि आप भी जो है देख करके चौंक जाओगे, आश्चर्यचकित रह जाओगे। हाँ, ये रही गाइस बर्तन की दुकान। यहाँ पे पतीला ही नहीं है, कभी पतीले को कुछ और बोलते हो यहाँ पे। और भाई यहाँ पतीले की खोज जारी है, आधा से एक किलोमीटर चल चुके हम लोग। फाइनली गाइस एक बर्तन की दुकान दिख गई है। बाल्टी ले लिया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो भाई फाइनली हमें एक पतीला तो मिल गया है। तो गाइस पतीला मिल गया ऐसे ऐसे खुश हो रहे जैसे कोई जंग जीत लिया। पहली बार एक पतीला खरीद के खुश हो भाई। ये रोज अच्छे लग रहे हैं। अरे ये रोज अलग है, ये रोज अलग है। देखो अभी देखो रोज ही बिकते हैं, रोज आज ही पतीला है। अरे भाई साहब थैंक यू वेरी मच यार, क्या बात है। मुश्किल से एक बार तो टेंशन में आ गए कि पतीला नहीं मिला तो प्लान फ्लॉप हो जाएगा, फिर कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा। इधर इधर पे है, इधर पे एक केक की दुकान है गाइस। अब हम केक की शॉप पे जाएंगे यहाँ से पतीले वाले ना। और ऐसा जो केक है तो दिलराज भाई ने भी आज तक कभी नहीं काटा होगा, किसी ने भी नहीं काटा होगा।
खाता। यहाँ पर दो जो केक्स हैं वो है पतीले वाले, जिसके अंदर आप लोग देख सकते हो मिलियन हैकर 30 मिलियन विद क्रेजी आगे लिखा हुआ है। इसके अंदर ये है लिखा हुआ, इसमें भी पतीला है। हम लोग दो पतीले लेके आ रहे हैं इन दोनों के अंदर। तो भाई सारा काम सेट हो चुका है, अब यहाँ से लगभग 1-1.5 घंटे का टाइम लगेगा उनके पास में पहुँचने का। उम्मीद करते हैं कि पिघले। तो भाई आप जो है थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं मिस्टर इंडियन हैकर दिलराज भाई के स्टूडियो पे। और गाइस मैंने जो है एक्चुअली में दिलराज भाई को कॉन्ग्रेचुलेशन देने के लिए 2-3 बार फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया, पता नहीं वो कहाँ बिजी थे क्या था। तो हमारा प्लान बना कि यार अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं सीधा उन्हीं के पास में, फोन नहीं करेंगे। अब पूछ तगड़ी लग रही है। तो भाई यहाँ पर दिलराज भाई के स्टूडियो का रास्ता आ चुका है और हम लोग कभी भी पहुंच सकते हैं, कभी भी। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं दिलराज भाई के स्टूडियो पे। ये है, धावा बोल दो। बंद करके गए क्या? वो पूछने गए अंदर। भाई यहाँ पर एक गार्ड भैया बैठे थे और अब वो जो है अंदर चले गए हैं गेट को क्लोज करके, क्योंकि उनको पता नहीं है कि हम ही लोग आए हैं। दिख नहीं रहा और तेरी ओए बहुत खराब। ओ ये तो ये शूट कर रहे हैं कितना कुछ। गाइस ये लोग शूट कर रहे हैं, इनको लगता है कि कोई वैसा प्रैंक हो गया जैसा पिछली बार था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। पूरे भागदौड़ी मच गई उनमें कि अभी बम बम फटने वाले हैं चारों तरफ। मिस्टर इंडियन हैकर स्टूडियो में खलबली मच चुकी है फिलहाल अंदर। वो गार्ड भाई यार वो चले गए यार। और भाई क्या हाल है? अरे गाइस मैं इसको खूब धकेल रहा हूँ, खुल ही नहीं रहा यार। मैंने इसको खूब बाहर की तरफ धकेला है, खुल ही नहीं रहा। ऐसे नहीं जाएंगे यार, ऐसे नहीं जाएंगे। अरे चलो ठीक है। और सुनाओ क्या हाल है? बढ़िया, आप सुनाओ। आपको बहुत बहुत बधाई हो। मैंने दिलराज भाई को फोन किया था 2-3 बार, उठाया नहीं उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन देने के लिए। चलो चलते हैं, क्या करें अंदर। तो भाई हम लोग आ चुके हैं दिलराज भाई के स्टूडियो में एक बार फिर से। क्या बात, ठंडा ठंडा माहौल कैसे हो गया एकदम? अभी तो गर्मा गर्म था माहौल। अरे तो हमको बोल देते यार, शूट चल रहा था तो हमको 10-20 मिनट का कर लेते। कमाल हो गया, अभी यहीं से पिकअप लो। कहाँ है बताओ ना यार, हमारे साथ प्रैंक कर रहे हो, मुझे पता है। अरे मुझे पता है भाई, अब हमारे साथ में प्रैंक किया जा रहा है यहाँ। अब जो प्रैंक चल रहा है या कुछ चल रहा है ये मुझे नहीं पता। ये देखो भाई, हम भी आपके साथ प्रैंक कर रहे हैं यार। भाई छुपे हुए हो मतलब? कहाँ है दिलराज भाई, कहाँ है? सब कुछ रिकॉर्ड है, पता है, देख लिया, खुद मजे ले रहे। और गाइस ऐसे किडनैप करा जा रहा है। अरे मुझे, मैं बताऊं क्या हुआ है, जब अपन पिछली बार आए थे ना ज्यादा धमाका हो गया तो डर गए लोग, अब वो जाके कोने में छुप गए सब लोग। यही हुआ है ना भाई, यही हुआ है ना, यही हुआ है भाई। गाइस अरे तो यार कोने में तो मत छुपते यार। बात ये है अब हमें खुद को ढूंढना पड़ेगा, अब हमारे हवाले हैं। अरे यार दिलराज भाई
ओए एक बंदा उधर ध्यान रखना कहीं गेट से वापस नहीं भाग जाए। हाँ वहाँ एक बंदा गेट पे रखना। अरे तो गार्ड अरे दिल दिलराज भाई यार अरे यार मैं नहीं बोल रहा तो अच्छा एक बात बताओ इतना डरने की क्या जरूरत थी। हम आपको क्या लगा धमाके आगे कर रहे हैं क्या हम लोग। नहीं यार मैं सोचा टाइम नहीं दिया हम लोगों ने टाइम नहीं दिया आपको बात ये है आपने खूब लिया टाइम। तो भाई फाइनली दिलराज भाई का पर्दा फाश हो चुका है यहाँ पे और ये दुबक आपके लोग मुझे भी ऐसे ही लेके आए थे अंदर। अमित भाई यार आपने वजन कितना हो गया होगा यार। भाई मेरे अंदर नाम के बता दो कितना कितना लग रहा है। आप क्या करो यार रेडी मूवी देख के आएगा क्या हुआ वाला कैसा लगा चश्मा ये बताओ। वो मूवी थिएटर में देख रहे। ये चश्मा मैंने आज खास आपके लिए पहना है। आपके लिए बहुत खास चीज है यार आज। डरना मत है ना इस बार डरना मत। सांप नहीं है यार नहीं अभी किसी को कुछ नहीं दिखाएंगे। अंदाजा लगाओ गैस करो इसमें क्या है। दूर क्यों भाग रहे हो इधर आओ मेरे पास। अगर बम होगा तो मेरे सर पे फट जाएगा ना। तो भाई लो चलो इन 3 2 1 गो। बहुत बहुत अरे नाने से डर लगता है सुदीप भाई मुझे पता है वैसे कि अमित भाई मेरे मुंह पे नहीं मारते क्योंकि इनको थंबनेल भी लेना है। दिलराज भाई बहुत तेज भागते हैं भाई ये तो बात है। अभी भी गाइस 50 की उम्र में स्टेमिना देख रहे हो दिलराज भाई का। आपके 30 मिलियन हो गए और आपके भी नहीं 30 मिलियन हो गए उसकी आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो ये जो है ये आप लोगों के लिए और नहीं 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 सारू के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वैसे इससे हमने हमारा भी लिखवा लिया हमने सुपर पैसे दे रहे हैं तो ये भी लिखवा लिया क्या दिक्कत है। तो मैं इससे नहीं हमें चाहते हैं कि आपकी नहीं नहीं मैं लोहे के चाकू से काटूंगा। क्या इससे इससे कटेगा ये। रुको 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 अरे सुनो एक सेकंड प्रैंक पास हो गया। लेकिन गाइस दिलराज भाई इतने चतुर और एक फोटो भाई के साथ याद है कि एक फोटो ले भाई के साथ। मैं इसको ऐसे ही ओढ़ के ही घूम रहा था पूरे मार्केट में। तो गाइस यहाँ पर जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गई। रियल केक कटिंग हम यार आइडेंटिकल केक बनवा के लाए थे और अब कटेगा गाइस सच्ची मुच्ची का केक। आपके लिए सभी के लिए ठीक है सब लोग गाइस ये है इनकी मेहनत के लिए तालियां और अब काटेंगे 30 मिलियन। और बताओ प्रैंक किसके साथ हुआ। इसको कहते हैं असली का प्रैंक। इसको सेलिब्रेशन बोलते हैं पोपट नहीं बोलते। हम मान लेते दिलराज भाई आप बताओ। अरे इधर तो यार इतना जब से गाइस हम लोग आए हैं अरे इतना मत डरो यार नहीं लगा रहा आ जाओ इधर आ जाओ। हमने गीजर को फुल गर्म पे सेट कर दिया जैसे अमित भाई ने मुंह धोया। तो भाई ये है
एक और केक आज का, और ये है आज का तीसरा केक आपके लिए। अरे वाह यार, आज रोज डे है तो हम सब लोगों की तरफ से एक एक में दो दो कर लेना भाई। आप ज्यादा लो भाई, आज रोज डे है तो भाई सभी लोग आ जाओ एक बारी। चलो ये तो भाई शुरुआत है। तो भाई देखो, हमने अपने 10 मिलियन पे केक काटा हमारे चैनल पे, हमने 11 पे भी काटा, हमने 20 पे भी काटा, लेकिन हमारे 30 हुए नहीं तो जब होंगे तो 30 में भी काटेंगे गाइस बहुत जल्द। ये है भाई असली का सच्ची मुझे ये केक, और यहाँ पर अब ये कोई प्रैंक नहीं, तो दिलाज भाई आप टेंशन फ्री होकर काट सकते हो। एक बार ये प्रैंक हुआ तो मैं मोर बना दूं इन पे। चलो देखते हैं गाइस क्या होता है। अरे एक सेकंड, नहीं इसमें मत डालो, इसमें मत डालो। अरे 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 दिलराज भाई, अरे रुको 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 तो सही यार दिलराज भाई। बस अब हमारी टीम के नंबर है, आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। अब तो हो ही गया यार, ये तो बुझाने तो मुझे। हाँ अरे यार ये तो भूल गया अपन, अब तालियां बजा दो। तो भाई ये है दिलराज भाई का आधा फेस सफेद और आधा काला, और अब दोनों साइड से सफेद। नहीं यार एक बार एक बार ऑलरेडी हो चुका है मेरा यार, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मिस्टर इंडियन हैकर के 30 मिलियन के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और भाई देखो अपनी केक खराब नहीं करेंगे, बस हल्का सा हो गया, फिर वापस जाते भाई केक खाया जाएगा पूरा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपके फेस पे नहीं लगाया इसको, केक सभी लोग खा लो। अरे क्या बात है गाइस, केक के अलावा दिलराज भाई के लिए हमारे पास एक और गिफ्ट था, जो कि है यहाँ पर जीता हैप्पी न्यू ईयर के लिए। लेकिन गाइस हुआ कुछ ऐसा कि मुझे जो है स्नेक बाइट हो गया, सांप ने काट लिया, तो हम न्यू ईयर पे इनको नहीं देख पाए। लेकिन अब जो हम इनके पास आए हैं तो गाइस वो भी देखते हैं अभी। तो ये है हम सब की तरफ से आपके राखी टीम के लिए भाई लोग, अपने लिए गिफ्ट है तो मोटा भाई ओपन करेंगे। तो भाई इसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं, देखो सारी चीजें हैं ना, ये एक्चुअली में सारी बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं। अच्छा, और इसके अंदर आप किसी भी चीज़ को अगर यूज कर लेते हैं, तो अगर आप इसको अपने मिट्टी में आपको इस्तेमाल जगह कहीं भी डाल दो, उसमें मुझे स्क्रीन में फील होता है, और ये पूरा हैंडमेड है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, क्या कहोगे आप, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच भाई, जल्दी आप सबकी टीचर। अरे चलो गाइस, अब हम सभी लोग डिसिप्लिन से रहना सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ठीक है भाई, हमारा जो है काम सारा हो चुका है, दिलराज भाई को जो तो हमको सरप्राइज और उनकी फिल्म को गिफ्ट जो भी देने थे ये सारे हो चुके हैं, और हमारा काम हो चुका है दिलराज भाई। अरे नहीं काम नहीं गुजारा है यार। अब जो है अगले माइक को ये मतलब गलत बात नहीं है, मतलब कि हमारे अगर कोई माइलस्टोन कंप्लीट होता है तो मतलब कुछ ना कुछ अपन करते हैं, या फिर आप बताओ आपकी तरफ से पार्टी कब है। पिछली बार हमने पार्टी दी थी, आपने वादा किया था नेक्स्ट पार्टी देखो, आपने 20 पे भी नहीं दी थी, 25 पे भी नहीं दी थी। यार पार्टी हमें तो अभी करते, हमने तो आज भी कर ली पार्टी। वो पार्टी कम प्रैंक ज्यादा हो गया। देखो हमारी तरफ से जो प्रैंक है वो तो हो गया एकदम सक्सेसफुल दूसरी बार में, पहली बार में भाई इन्होंने बहुत दिमाग लगा लिया, पता नहीं कहाँ से सोच लिया, देख लिया या क्या किया, लेकिन कर दिया काम हमारा, उसको फोड़ और दिया हमारा। हम पूरे बाजार में ढूंढे, पतीला ढूंढते हैं, बर्तन वाले की दुकान पे जाते हैं ना, बर्तन ही बर्तन वाले ढूंढते हैं, नहीं तो ढूंढ रहे थे, पतीला नहीं मिला। अजमेर में सारे बर्तन मिलते हैं, पतीला नहीं मिलता है। तो भाई मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा इस वीडियो में, और चैनल को सपोर्ट कर लीजिए, सब्सक्राइब ऐसे सब्सक्राइब समझ गए ना आप क्या करना है। नहीं नहीं सब्सक्राइब सुनो, अच्छा अब आप बोलो, मतलब ना मानो गेम्स वगैरह ज्यादा मत खेलो, आंखें खराब होती है भाई, खेलो दबा के, और अमित भाई का ऐसे ही साथ दो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ में, तो हमारे हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत गाइस। दोनों चैनल दिलराज भाई आपके हैं, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अरे ये ऑडियंस इनको कहने की जरूरत कहाँ है यार, ये वैसे ही समझदार है। तो भाई मजा मस्त आया, चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा इस, वरना बोल देंगे बोले यार बुरा मान जाएंगे, बोले यार मान गया। ठीक है भाई आज के लिए इतना ही, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।